शुक्रिया। तो आज के वीडियो काफ़ी मज़े की वीडियो होगा, वो इसलिए मज़े की वीडियो का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मेरे भाई और मेरे भाई का दोस्त वो गया है सरको पे, सिर्फ एक हफ्ते के लिए ट्रिप पे गए थे, तो उन्होंने मेरे लिए काफ़ी अच्छी वीडियो भी बनाए थे, काफ़ी अच्छी क्लिप भी बनाए थे, लेकिन मेरी वीडियो इतनी अच्छी नहीं होगी जितना जो पहले लोगों के पास होगी, जो लोग सरको पे ब्लॉगिंग जो करते हैं चैनल अच्छे अच्छे, वो इतना नहीं होगा मेरे चैनल पर, वो इसलिए हो नहीं होगा क्योंकि मेरे भाई फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे थे, उसको दोस्त भी फर्स्ट टाइम बनाया, उसको आइडिया नहीं था क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था, तो थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई थी, जो कोई 20 सेकंड का है, कोई एक मिनट का है, कोई ऐसे थोड़ी थोड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर आएगी एपिसोड पर। तो अभी जो वीडियो अभी आएगी, सबसे पहले मेरे भाई ने बनाए थे एयरपोर्ट के जो थ्रू बनाए थे, वो एयरपोर्ट के क्लिप बनाए थे पहले, इसके बाद जाके अपने इंट्रो एयरपोर्ट पे किया था, जो हम हर चीज़ लेके बोर्डिंग पास लेके इमिग्रेशन करके, इमिग्रेशन तो नहीं होता डोमेस्टिक एयरलाइन पे, डोमेस्टिक एरिया पे सिर्फ इमिग्रेशन लेके सीधा गए थे बोर्डिंग बोर्ड लाउंज में बैठ गए, तो वहाँ के बाद प्लेन पे बैठे, प्लेन पे खाना नहीं दिया क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने खाना अलाउड नहीं किया, डोमेस्टिक के लिए इंटरनेशनल होता है लेकिन डोमेस्टिक पे नहीं होता, तो जैसे वो पहुँचे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, सरको एयरपोर्ट पे पहुँचे वहाँ पे, आपको मैंने क्लिप खुद देख लेना कैसे क्लिप था, फिर बाद में हर चीज़ हो गया, फिर उसके मैंने एक हफ्ते के लिए होटल भी लिया था, प्लस पिकअप एंड ड्रॉप की गाड़ी भी जिसको गाइड करना है कहाँ कहाँ कौन सी जगह फेमस है वो भी गया, आपको इस वीडियो भी नज़र आएगा आप हर चीज़ को, फिर दूसरी है तीसरा काफ़ी अच्छे खाने भी मेरे भाई ने किया हुआ है, लेकिन कुछ क्लिप नॉर्मल ही होगा, कोई इसमें ज़्यादा क्लिप लंबी नहीं होगी, यानी कोई 20 सेकंड का है कोई 10 सेकंड का, ऐसे ही वीडियो होगी मेरे इस चैनल पे, ये जिस एपिसोड पे ऑलमोस्ट लाइफ में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने एपिसोड होगा, इसमें 4 एपिसोड होगा, 5 एपिसोड होगा या फिर 3 एपिसोड होगा, कोई पता नहीं मुझे, तो अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चलिए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं शुरू, और ये वीडियो काफ़ी मजे की होगी, चलिए देखें ये वीडियो कैसे की है। सऊदी अगर यू ए ने तो अपनी फ्लाइट्स खोल दी है ना, जो हमारा जो टिकट चल रही है
जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर न्यू चैनल। इस चैनल के ऊपर हम लोग व्लॉग्स अपलोड किया करेंगे जो हम रोज़मर्रा में कर रहे होते हैं, एक आम इंसान की लाइफ में जो चीज़ चल रही होती है। तो हमने सोचा कि चलो इस कोविड के टाइम पे कहीं पे जा तो नहीं सकते, इंटरनेशनल फ़्लाइट सब बंद हैं, तो कहा कि चलो डोमेस्टिक ट्रैवल करके ही देखें। तो अल्लाह ताला ने हमारी कंट्री पाकिस्तान में ही इतना कुछ अता किया हुआ है जो हम बहुत सारे लोग उससे अवेयर नहीं हैं। तो उनमें से एक शहर स्कर्दू है जो गिलगित बलोचिस्तान में है, तो वो अभी का सबसे हॉटस्पॉट टूरिज़म स्पॉट बना हुआ है पाकिस्तान में। तो आज मुझे मौका मिला अपने दोस्त हनान के साथ स्कर्दू जाने का। तो हनान भाई, फिर हम लोग स्कर्दू जा रहे हैं। जी जी, ठीक है। तो स्कर्दू जो है ना, हमें जैसे सबको पता है गिलगित बलोचिस्तान का एक बहुत ही प्यारा शहर है जो नॉर्दर्न एरियाज़ में लगता है। तो वहाँ का मौसम भी अभी बड़ा प्यारा रहता है, थ्रू आउट द ईयर बर्फ़ भी पड़ती है वहाँ पे। तो हम मुख्तसर सी जगहों पे वहाँ पे जाएंगे जो बहुत प्यारी प्यारी जगह है, तो काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो इनसे भी पूछते हैं। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। और हम स्कर्दू में जाएंगे और हमारा 7 डेज़ का प्लान है, और हम कोशिश करेंगे कि डे बाई डे वीडियो बना के जहाँ जहाँ हम सैर करेंगे सारी वीडियोज़ आपको बना के हम अपने इस YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। और अगर आपने आपके लिए बहुत आसानी होगी, जैसे जैसे हम जाएंगे हमें जो इश्यूज फेस करने हुए जो अच्छा हुआ सब कुछ हम आपने सारा कुछ इसमें हम एक्सप्लेन के साथ वीडियो के साथ शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जी
खजूरा वो देख ऊपर से, ऊपर से देख वो वो देखो पीछे पहाड़ पर अब वो देखो पहाड़ों में आइए सारी तस्वीरों में देख रहा है ऐसा ही आ रहा है देख रहे सिग्नल नहीं आ रहे, दो तीन मिनट बाद पहले ही निकले हैं, रश से वो सामान लेट आए हैं। सिटी से मिल जाएगा, कौन रहा है इस काम का? हाँ वो जो चल रहा होता है कुछ, हमारा सिम का सिग्नल नहीं आ रहा।
नहीं आपका कौन सा सिम टिलना रहना जोंग तो चलना चाहिए जोंग तो चलता है अभी हम जा रहे हैं शंग्रिला रिजॉर्ट अभी अभी किधर निकलेंगे अभी शंग्रिला की तरफ निकलते हैं ना सर शंग्रिला रिजॉर्ट जा रहे हैं जा जाएंगे ना ठीक है ना सर ताकि आज का दिन इधर विजिट हो जाएगा कल फिर दोसाई के प्रोग्राम बनाएंगे सर परसों फिर आगे मंठोका और शिखर चले जाएंगे उससे अगले दिन सर हपलू निकल जाएंगे गाड़ी का जो विजिट है ना वो करेंगे फिर ट्रैक वाला विजिट आपको पैदल करना है अभी रोड थ्रू हो गया है तो अभी वगैरह मिल पा रहे हैं आज थोड़ा सा गाड़ियों में दे रहे डब्बू में नहीं दे रहे मासा एक दो दिन थोड़ा सा पेट्रोल के लिए परेशानी होंगे उसके बाद फिर आम हो जाएंगे ये मसला है और इस माल कैसा मजा आ रहा है यार कमाल का है सीधा अपर कचूरा जाते हैं वहाँ होटल है आप विजिट करके आने तक वो खाना तैयार कर देंगे ठीक है ना अपर कचूरा कौन सा जहाँ पे वो रिजॉर्ट नहीं नहीं रिजॉर्ट नीचे होंगे अच्छा। वो आखिर में रखते हैं ना हम आए शंग्रिला पर कचूरा सौ सौ होता है कौन कहोगे शंग्रिला पर कचूरा यहाँ गाड़ के भी सौ लिखे बिन मैन सौ लिखे बिन मैन आओ इधर कौन सी सवाल बोली जाती है बल्टी सर जी बल्टी बल्टी यहाँ बल्टिस्तान का जो है ना बल्टी एक तो गिलगित मिशन집에 두세 양자리 양아 안에 두칸이 있나 안 거실이 없는 피우지 민했거든 나 인제서 저는 아예 방아 바람하지 못해 바람하지 에어포로 빈 두세 뒤에 매한 길에 갇혀라 샤미 오면 뒤에 삿바지 양아 피우지 그냥 치다 들라 잔도 봐지 가리시도 소스나 도호여 스토시 치다 레콜라 아리시온나레 맞아서 되는 거 빈 민만에 양아 훈이 깔다 안 죽고 아리블라 아리블라 इस वक्त बहुत ही हाई पे गया हुआ गाड़ियों का रेट जो है क्योंकि इस वक्त जो है दोसाई के लिए गाड़ियां ले रहे 16,000 उस वक्त जब आप लोगों के साथ बात हुआ तो और 12,000 अभी 16,000 पे पहुंचा हुआ बड़ी गाड़ियां नहीं तो अगर हम दोसाई का रख लेते हैं कोई दो तीन दिन बाद रख लेते हैं जैसे भी इस वक्त रेट हाई है क्योंकि दो तीन दिन बाद रेट कम हो जाए नहीं होगा
मुझे पता नहीं है महीना पूरा इसी रेट में जाएगा, क्योंकि इस वक्त रश ज़्यादा है, एक तो फ्यूल भी नहीं मिल रहा है, तो छोटी गाड़ी लेके चले जाएंगे, क्योंकि छोटी और बड़ी में क्या हमने दो, आप लोग दो ही है ना, आराम से चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। छोटी गाड़ी हाँ, आल्टो मेहरान भी जाते हैं दुसाई में, दुसाई में वो मसला नहीं है गाड़ी का। किसमें जाते हैं? मेहरान जो है ना वो भी चले जाते हैं दुसाई, मसला नहीं है गाड़ी जाते हैं, असली होते हैं छोटी गाड़ियाँ हम लोग, मैं खुद नहीं जाता हूँ ना इसलिए बड़ी। गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह भी इजीली मिल जाते हैं यहाँ से? मैं लाहौर से लेके आता हूँ, लाहौर से, लाहौर सर्दियों में मैं लाहौर आ जाता हूँ, वहाँ से फिर लेके आता हूँ, वहाँ मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा, आपके एमयू कॉलेज के साथ ही मेरा रिश्तेदार है, नया एयरपोर्ट के साथ जो अली पार्क बोलते उधर है, और शेरपापुर के साथ, ये तीन जगह पे है, एक अभी उसूर साइड में उन्होंने कमरे लिए हैं उधर जाने के लिए। हम जा रहे हैं शंग्रीला रिजॉर्ट जा रहे हैं, ये उसकी इंटरेस्ट की रोड है, बारिश का मौसम भी होने वाला, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये पानी किधर से आ रहा है? ये शंगला से, उसकी लेक से आ रहा है, ऊपर वाला शंगला की लेक से भी ना, ऊपर वाला लेक बड़ा है, बोटिंग शोटिंग करना तो ऊपर वाले लेक में करना है आपने, कुदरती बनाया हुआ है। हाँ कुदरती लेक है,
ये आपके कोई लाहौर का होटल है, कोई सेठ ने बनाया है, एक नाइट का जो है ना 25,000 रुपए इनका रूम का है। यहाँ पे कितने में बन जाता है होटल? यहाँ मकसद ये सीरिया और सीमेंट महंगा है, सीमेंट का एक बेड जो है आपको 1,000 रुपये में मिलेगा, 1,100-1,200 में। सीरिया जो है नॉर्मल सीरिया जो है वो आपको 140 रुपये के जी मिलेगा, ये रेट चलते हैं यहाँ पे। ये हिमालय है, देखा पीछे? नहीं, हिमालय दूसरा दूर है, ये नहीं है। अच्छा, ये दूसरा है। हिमालय बहुत दूर है। Thank you.